शुरू कर देंगे। इनकार की सी लज्जत इकरार में कहां, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। जुल्म जल्द आ रहा है। हुदा, वो ऐसे कैसे जा सकते, मेरा बेटा है वो, माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है वो? क्या मैंने इसी दिन के लिए पाला था उसे? अम्मी, उसने अच्छा नहीं किया खुदा, उसने अच्छा नहीं किया, वो हमें तनहा छोड़ गया। पहले वो लापरवाह हुआ हमसे, हमारी जरूरतों से, आज उसमें इतनी बेयकीनी बदगुमानी कहां से आ गई? प्लीज अम्मी, संभालें खुद को, आपका बेबी लो हो जाएगा। हुदा, वो लाडला बहुत प्यारा, मेरी पहली औलाद। तुम कहती थी ना, मुझसे शिकायत करती थी ना कि मैं तुमसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ, है ना? तुम कहती थी ना, क्यों ना करती मैं? मेरी पहली औलाद थी वो हुदा, वो मेरी पहली औलाद थी, मैं उससे बहुत प्यार करती, तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। और वो जानता था इस बात को, कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जानता था, फिर भी छोड़ गया मुझे। हुदा, वो कैसे छोड़ गया? वो जानता था मैं उससे बहुत प्यार करती। अम्मी, भाई ने जाना था, एक न एक दिन उन्होंने चले जाना था, हमारे दिलों से तो वो पहले ही जा चुके। औलाद मां के दिल से दूर नहीं हो सकती। हाँ, माँ को भुला सकती, अम्मी प्लीज माँ को छोड़ गया वो। संभाले खुद को, आपके पापा आ रहे हैं अभी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस छोटे से कमरे में रहूंगी कैसे। अरे, इसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब जाएंगे इनके दोस्त। हाँ, तुम लोग आराम करो और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। थैंक यू सो मच यार, तुमने रात के इस वक्त ना सिर्फ कॉल अटेंड की बल्कि रहने के लिए जगह भी दी और मान गए। यार, रात के इस वक्त तुमने हेल्प मांगी, जरूर कोई ऐसी वजह होगी। अच्छा चलो, तुम जाओ, मैं चाय भिजवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा बाहर बैठ के अच्छा लगेगा आपको,
से कमरे में अपने आप को बंद किया हुआ आपने। दम बैठे हवा में, सुबह से कमरे में बंद है। मेरी अम्मा कैसा चौड़ा हो के कह रहा था ना कि 10 लाख दे दो 50,000 रुपए महीना मिलेगा, और 4 लाख और दोगी ना तो पूरे पूरे 60,000 रुपए मिलेंगे। क्या किया अम्मा, तुम्हारे बेटे से ज्यादा तो तुम्हारी बहू अकलमंद निकली। से कुछ भी हो, ये माचिस की टप्पी जैसी लड़की कितनी होशियार निकली। अम्मा मैं इससे पहले ही भाग गई थी। बड़ी मीसनी है, देखा तूने कैसे रंग ढंग बदल लिया उसने। अम्मा लेकिन नुकसान तो तुम्हारा हो गया ना, सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई तुम्हारी। पागल समझाए क्या तुझे? जिंदा हाथी लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। अम्मा क्या कह रही हो? अरे तेरी माँ के पास अपने जेवरात के अलावा आदिल की बीवी के भी जेवरात है। अम्मा सच्ची? हाँ। अम्मा तू तो बड़ी अकलमंद निकली। है नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है ना, लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं। इसे अम्मा कितने तोले का सोना है? तुझे क्यों बताऊं, चुप कर जा। यूसरा, यूसरा कहाँ हो यार तुम? कब से भूख लगी हुई है, नाश्ता गिरवा दो मुझे। सुन लिया है मैंने। तो फिर नाश्ता गिरवा दो। आदिल आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको पता ही नहीं है कि घर में राशन नहीं है। क्या अम्मा ने कुछ मंगवाया नहीं क्या? मैं पूछता हूँ अभी उनसे। क्या अम्मा अम्मा लगाया हुआ है? तूने मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं छोड़ दिया जो खत्म ही नहीं होगा। अम्मा कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं बाकी की जिंदगी ना अपनी बेटी और दामाद के साथ गुजारूंगी। क्या अम्मा तुम इन बुरे हालात में मुझे अकेला छोड़ के जाओगी? तो तूने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है? कब तक तेरे ऐबों पर पर्दा डालती रहूंगी? कुछ महीनों बाद कोई ना कोई डज लगा देता है मुझे। वाह अम्मा वाह, काश ये सब कुछ आपने बहुत पहले बोल दिया होता। लेकिन नहीं, तब तो आपकी आंखों पे लालच की पट्टी थी ना, तब तो बड़ा बेटे का साइड ले रही थी, बहुत साथ दे रही थी उसका।
अब जब वो मुश्किल वक्त में तो आप जा रही हैं और कह रही कि बदल जाओ। नहीं, एकदम से नहीं बदलेगा ये। तुम बदलो, बदलोगी इसे धीरे धीरे। वो समझदार और अकलमंद हो ना, समझी? माँ, अच्छा आ गया। हाँ चलो। अम्मा कहीं नहीं जाओगी तुम। खबरदार जो मुझे रोका होगा। जब तक दो पैसे कमाने के काबिल ना हो जाए ना, बहन के घर का रास्ता नहीं देखना। चलो भाई चलो। चलो अम्मा, उठाओ सामान, चलो भाई चलो। चलो आरिस, मैंने नाश्ता लगा दिया, आ जाए। नहीं वर्दा, मुझे भूख नहीं है। तुम एक काम करो, तुम नाश्ता कर लो, फिर सुनार के पास भी चलना है और उसके बाद बिल्डर्स के पास। देखो वर्दा, मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ दो दिन से ज्यादा रुके। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। खा लूंगा यार, परेशान मत हो। मैं समझ सकती हूँ आप परेशान हैं। इस तरह दिन और वक्त दोनों नहीं गुजर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो हम वापस चलते हैं। वरदा, मैंने वो घर छोड़ा है जहां मेरी कोई इज्जत कोई हैसियत नहीं थी। फितरी बात है, अम्मी से इस तरह दूर हूं मैं, वो भी बाबा के बाद इस तरह। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, और ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। आपकी वरदा आपके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ है। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया ना, आज मैं आपको करूँगी। बिल्कुल परेशान नहीं होने का, आज मैं अपने हाथों से आपको नाश्ता कराऊंगा। मैं लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सर्वर, मुझे तुमसे इतने बुरे सुलूक की उम्मीद नहीं थी। लो बताओ, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती मैं, लोगों की जिंदगी में दुख आते हैं, मगर मेरी जिंदगी तो दुखों में गुजर गई। सर्वत, तोबा करो तुम और ना शुक्री की बातें। क्या हुआ, घर में फिर कुछ हो गया है? चला गया। मुझे छोड़ के वो चला गया। जिसे मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था, मुझे छोड़ के चला गया। और जिसे मैं पराया धन समझ रही थी, हर मुश्किल घड़ी में वो मेरा साथ दे रही। अम्मी, ये रहा आपका नाश्ता, और खाला आपके लिए इलायची वाली चाय। अरे खुदा बेटा, क्या जरूरत थी, सादी चाय भी ले आती तो मैं पी लेती। खाला, क्या सिर्फ आप ही हमें प्यार करती हैं? हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और देखिए ना, हमारे मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमें आपका ही ख्याल आता है। होता बेटा, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही, तुम जाओ ऑफिस चली जाओ। इस वक्त में तुम्हारी नौकरी खत्म होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं अम्मी बस निकल रही, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खाला, अम्मी का ख्याल रखिएगा। लो बेटा, ये भी कोई कहने की वाली बात है, तुम बेफिक्र होकर जाओ,
अपनी बहन का मैं बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो पहले तुम ये नाश्ता करो, ठीक है, फिर दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करेंगी। लो नाश्ता करो। वाओ, आज ये मौजज़ा कैसे हो गया भाई? क्यों भाई, आपको क्या लगता है मौजज़ा सिर्फ आपके साथ हो सकता है? इसका मतलब है कि तुम पीछे नहीं हटोगे? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती लाया जा सकता है। ये तो दिलों का मामला होता है। जान चुकी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी तो नहीं ना कि तुम हमें छोड़ जाओ। भाई, हम सब ने जो किया वो बहुत गलत किया और हम सबको उसकी सजा भी काटनी है, पर आपने खुद को सजा देने के लिए जो रास्ता चुना है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप तो हुदा की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी उसके सामने आ सकते हैं, पर भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अजमीर के सामने नहीं आ सकती। अब मैं ये बात जानती हूँ अजमीर ने आज नहीं तो कल लौट कर वापस आ जाना है, लेकिन कल को अगर वो वापस आ गए तो मैं कहीं जज्बात में आके कुछ गलत ना कर बैठूं। यानी कि कुछ डर कर खुद को अकेला छोड़े? हाय भाई, आप मुझे कमजोर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें आगे जाकर पछताना ना पड़े, कोई रिग्रेट ना रहे। पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, वीजा लग गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई तुमसे नाराज रह सकता है? हाँ, बस अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। चेक कर लिया मैं। ख्याल रखो। बाय। हम आपको लेने आए हैं भाभी। जाने वाला चला गया और पीछे छोड़ गया मेरे लिए नदामतें, तन्हाई। मैं क्या जानती थी कि मेरी औलाद मेरी ही नहीं। भाभी, ये वक्ती आजमाइश है, अभी छोटे हैं वो, जब बड़े होंगे एहसास होगा तो खुद आपसे माफी मांगेंगे। नहीं सलमान, मेरी औलाद मेरे लिए ही आजमाइश है। एक की कोई खबर नहीं, दूसरी को परवाह नहीं। साढ़े चार महीने हो गए, अजमेर का कोई अता पता नहीं है। पर्दा दो कदम पे रहती है, लेकिन मजाल है जो उसने अपनी मां को इस मुश्किल वक्त में पूछा तक हो। इतना तक पूरी हो गई है मेरी, मगर अरे भाभी, हम लोग आए हैं ना आपको लेने के लिए, क्या हमारे आने की कोई हैसियत नहीं है? बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं। सलमान खसूसी तौर पे आए हैं आपको लेने के लिए। नहीं सबा, तुम्हारी तो कदरों कीमत बढ़ गई है मेरे दिल में। जिस तरीके से सलमान और शहीद ने
इस घर को देखा है, आरिफ के कारोबार को देखा है, मैं और क्या मांग सकती थी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। कोई एहसान नहीं किया मैंने और शहीद ने आप पर। एहसान तो वो था जो जो भाई साहब ने मुझ पे किया था, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। सवा तुम भाभी के साथ जाके सामान पैक करो, फिर हम चलते हैं। जी जी, मैं सामान पैक करवाती हूँ। चले भाभी। मैं अम्मी को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, क्या करूं? हुदा, अब जब इस कंपनी में जॉब कर ही रही हो तो उसे फेस भी करना होगा। करती हूँ जाके बात। शहीर, ये वक्त भी देखना था। तुमसे फेवर लेने के लिए तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। That's great यार, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तुम किसी भी तरह से अजमीर को ये बताओ कि उसके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन मेक श्योर कि तुम खुद जाओगे, किसी और को नहीं भेजोगे, ठीक है? एक मिनट रुको। यस, हाँ ठीक है। सुनो, मैं बात करता हूँ तुमसे, कर रहा हूँ कॉल बैक। खुदा, आप क्या आपके ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय जब भी आपसे मिलने आते हैं तो क्या आप उनसे इतनी ही हैरानगी से मिलते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं हर एम्प्लॉय के लिए हैरान होता हूँ, बस। खैर, आई एम सॉरी, आप कोई काम था आपको? सर वो अब मुझे आपसे फेवर चाहिए एक। जी बोलिए। मैं कुछ दिनों के लिए घर से काम करना चाहती हूँ। Any specific reason? क्योंकि मेरी वालदा को मेरी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, आप आईटी में बात कर लीजिए, वो आपका सिस्टम घर पर सेटअप कर देंगे। ठीक, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। मुझे अवॉइड करने का प्लान है। नाइस, सब समझ रहा हूँ मैं, सोचा कोई बात नहीं। एक मिनट, इसे आराम से रखिएगा, इसमें कांच के बर्तन है, टूट ना जाए। और हाँ, इसे वहां रख दे, इसमें मार्बल का सेट है। ये उठाओ यहाँ से। हाँ, आगे आगे रख दो। ठीक है। अरे देख देख के भाई, टेबल है। हाँ बस सही है, वहीं पर रख दो। तो फिर आप पूरा हो गया तुम्हारा? तुम्हारा ख्वाब, हमारा ख्वाब पूरा हो गया। सलवर कितना रोगी, देखो ये तो कुदरत का भी कानून है, जब परिंदों के भी पर निकल आते हैं तो वो अपने नए आशियाने की तलाश में निकल पड़ते। परिंदों और इंसानों में फर्क है। इंसान तो रोजे महशर भी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। सलामकुम अम्मी। सलामकुम खाला। खाला जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप अम्मी को लाउंज में ले आई हैं। पता है, कमरे में बैठ बैठ के भी ना ये परेशान हो जाते हैं। अम्मी क्या बात है, आप रो रही हैं? अरे उदा बेटा, आरेज आया था, अपने कमरे से अपनी बीवी का सारा जेहद का सामान ले गया अपने नए घर के लिए।
ये सब कुछ तो होना ही था, और अम्मी को लगता है कि ये सब कुछ अचानक हुआ है। ये सब कुछ पहले से प्लान था अम्मी, जब उन्होंने अपने लिए घर ले लिया उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक झगड़े का इंतजार किया। ये सब कुछ होना था बेटा, यही तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्हें जाना था वो चले गए। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? क्या हुआ अगर आपके पास बेटा नहीं है? बेटी तो है ना, मुझे आजमा ले, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। अब तुम भी उसके चहेते होने का ताना दोगी। अच्छा होता बेटा अब तुम आ गई हो, मैं चलती हूँ, मैं भी जाके अपना घर देखूं। नहीं नहीं खाला, मैं खाना लेकर आई हूँ, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना डाल के लाती हूँ। खुदा बेटा तुम भी हद करती हो, इस मौके पे भी तुम्हें खाने की पड़ी हुई। कोई बात नहीं, आप इतना ख्याल करती हैं हमारा, मुझे बस 10 मिनट दे, मैं खाना डाल के लाती हूँ। सरवत तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ही नेक बेटी दी है जो कई बेटों पे भारी। चलो खुश हो जाओ, ठीक है, परेशान नहीं हो। हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा ना आतिल, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आप उठें, जाएं जाके कोई मजदूरी करें और रात के लिए खाना लेकर आएं। लेक्चर नहीं, यहाँ भूख से हालत खराब हो रही है और तुम मजदूरी के लिए कह रही हो मुझे? आदिल हूँ मैं आदिल, दो रोटियों के लिए मजदूरी नहीं करूंगा मैं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हरगिज नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन मैं आपको लेकर अपनी माँ के घर नहीं जाऊंगी। अरे भाई किसको मौत पड़ गई, आ रहा हूं, क्या हो गया भाई? अरे भाई कहां अंदर घुसे आ रहे हो, क्या हुआ? किराया ये ना मिल जाएगा। सिर्फ किराया नहीं है, मुझे अपना घर भी खाली कराना है। तुम्हारी अम्मा जो है जाते जाते मुझसे मिल के गई है और बोल के गई है कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। अरे भाई इतना ऊपर से क्यों आ रहे हो, एक महीने का किराया ये ना मिल जाएगा आपको। बस तुम्हें किराया अभी देना होगा वरना मैं तुम्हारा सामान नहीं दूंगा तुमको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं हकीकत है। अब सिर्फ तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे बाद मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें यहाँ से धक्के देके बाहर निकालूंगा, ठीक है? समझ लेना 4 घंटे का मतलब 4 घंटे। चलो आओ भाई। थकन तो बहुत हो गई लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ अरेंज हो गया। मगर मेरा जेवर भी तो बिक ही गया ना। वरदा क्या हो गया, अगर तुम्हें तुम्हें गोल्ड नहीं बेचना था तो ऑफर नहीं करनी चाहिए थी, और अब सब कुछ हो गया है तो इस तरह पछताने की क्या जरूरत है? पता चल रहा है कि माँ के पास से नहीं आ रहे, लगता है कि कहीं ऐसी जगह गए थे जहां से ब्रेन वॉश करवा के आ रहे। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अभी चंद घंटे हुए इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। मैं लड़ रही हूँ या आप मुझसे लड़ रहे? एक तो सारा दिन मैं अफान को संभाल संभाल के थक जाती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँ या मैं ये चीजें देखूँ? ऊपर से आप मुझे अंडरस्टैंड करने के बजाय मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे। मेरी बात सुन, सिर्फ तुम नहीं थकी हो, मैं भी थका हूं। खैर अफान सो जाए तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, प्लीज कर देना। क्या क्या करूं मैं?
बहुत अच्छा कि आंटी जो आप आज आ गईं। मैंने तो कल वैसे भी चले जाना है, पता नहीं फिर आपसे कब मुलाकात हो। तुमने बहुत अच्छा किया माहम कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और सब्र और तहम्मुल किया। थैंक यू सो मच आंटी। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको हुदा पसंद क्यों नहीं थी कभी? आई मीन ये बात जानने के बावजूद भी कि वो अजमीर की पसंद थी, आपने उसे कभी चूज क्यों नहीं किया? बस बेटा यूं समझो जैसे कि किसी की अगर अच्छाइयां होती है ना उसके लिए आजमाइश बन जाती है। होता कि बेशुमार अच्छाइयां उसके लिए जैसे कि उसकी जिंदगी की आजमाइश बन गई। और वर्ता उसके बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। मैं बस दुआ करती हूँ कि अजमेर वापस आ जाए, फिर मैं हुदा से खुद उसकी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। ये लीजिए भाभी, ये लीजिए, ये मैंने सैंडविच ना अपने हाथों से बनाए, आपको पूरे खाने पड़ेंगे। और शही तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ आके बैठो ना हमारे साथ। भाई आप आ जाए ना, आप क्या खामोशी से हमारी बातें सुन रहे हैं? नहीं मामा मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे आप सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दिया है, ऐसी धाबेदार और फरमा बरदार औलाद की सूरत में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाभी कि अल्लाह ने मेरे दोनों बच्चों को हिदायत दी और वो सही रास्ते पे आ गए। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वरदा और अजमेर को भी आपके लिए सकून और हसरत का बाइस बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा छोड़िए ये बातें, आप हुदा बेटा तुम ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगी? जी अम्मी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। घर से काम करने की इजाजत तुम्हें शहीद ने दी है क्या? जाहिर है अम्मी, वो बॉस है तो उसी ने इजाजत दी है। मोहब्बत में शहीद भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, निभाने वाला। अम्मी ये सब आप कर रही हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया था। हाँ जानती, अच्छी तरह से जानती, उसने गलती की। तुम्हें पाने के लिए गलत रास्ते को चुनने की गलती की। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, शायद तुम्हारा गुस्सा जायज भी था। हाँ ये कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? हुदा तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा ज्यादती वरदा ने की, तुम्हारे अब्बू को तुमसे छीन लिया मगर तुम फिर भी सह गई। अजमीर ने, आरेज ने तुम पे भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया मगर आज भी तुम उन दोनों से मोहब्बत करती हो, तो फिर शहीर के लिए ऐसी हमदर्दी क्यों नहीं? इसलिए कि उसने अपनी गलती मानी और उस गलती के अजाले के लिए वो अभी भी इस्तकामत से खड़ा। आप छोड़ें इन बातों को, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हुदा उसकी मोहब्बत कबूल कर लो, इस गलती की वजह से उसकी नेकियों को मत भूलो।
में जाके देखती।